Gratitude greetings. I am super happy because I'm sitting in front of the best educator, Pooja Joshi. She's inspiring so many thousands across the globe and India through education initiatives. She has worked in so many organizations where she has touched hearts. Welcome, Pooja ma'am. Thank you so much. Badhiya hai. So what is the secret of your success? Dedication, hard work and prayers. Badhiya hai. So ye kahan se aaya? Dedication, hard work and prayers. So I have one rule ki jaise jo bhi aap karte ho दिल से करो और जो भी आप करना चाहते हो वो दिल से करो. सो लाइक लव व्हाट यू डू, डू व्हाट यू लव. सो मैं दोनों काम कर रही हूँ एक साथ. वेरी नाइस, यू आर लकी. पीपल आर सर्चिंग फॉर दिस. मेरा इकिगाई कहाँ है? वेयर इज द मीनिंग? वेयर इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ? आई एम गेटिंग मनी बट आई एम नॉट गेटिंग हार्मनी. सो ग्रेट. नाउ यू आर अ सुपर मदर. व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ बीइंग अ गुड मदर? गुड क्वेश्चन. सो मेनी टाइम्स आई वंडर कि अभी एक टीन एज बच्चा है घर में, काम भी चालू है, यू नो, एज अ हाउस वाइफ भी ड्यूटी है, घर भी संभालना है, ये सब कैसे मैनेज करूंगी. बट मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने जब औरतों को बनाया है ना, वो बैलेंस ऑलरेडी उनको दिया हुआ है. सो वी आर लाइक सुपर गिफ्टेड बाई गॉड. लेकिन कुछ कुछ मम्मियां परेशान भी तो होती है, ओ गॉड मेरे से नहीं संभल रहा, उनके लिए क्या कहना है आपको? कई बार होता है ऐसा, यू नो, वी आर आल्सो ह्यूमन आल्सो, राइट? सो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि शायद हम बच्चे को नहीं समझ पाते या बच्चा हमको नहीं समझ पाता. बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज जस्ट अ फेस. सो अगर हम कोई भी सिचुएशन में काम रहे, कंपोज्ड रहे, ट्राई करें कि बच्चा इस वक्त क्या फील कर रहा है ताकि वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है, अगर वो हम समझने की ट्राई करें, और हम ये ना भूले कि हम भी कभी बच्चे थे तो हमने भी कभी ना कभी हमारे पेरेंट्स के साथ ऐसा रिएक्ट किया होगा, उस टाइम हमारा क्या थॉट प्रोसेस था, तो यस, सिचुएशन काफी संभल सकती है. ठीक है, एक और मम्मिया मेरी फेवरेट है, वो है आई एम नॉट गुड इनफ मदर्स. कितना भी कर ले, जान दे रहे हैं सुबह शाम 5 o'clock टिल नाइट 10-12 o'clock. She is serving as a wife, mother, daughter-in-law. Still, she'll say, oh God, because of me, this happened. Because of me, this happened, that happened. This went wrong, that went wrong. I'm not a good enough mother. I'm not a good enough wife. I'm not a good enough daughter-in-law. Overcaring bhi hai. Phir bhi karke bhi unko medal ab kya kare hum? Unke liye kya bataoge? उनके लिए मैं ये बताऊंगी कि ये एक्सपेक्टेशन जो होता है और जो गिल्ट होता है, ये दोनों को ना हमको बैलेंस करके रखना होता है. ठीक है, मम्मियां है, औरतें, फिर भी अगेन जब भगवान ने औरतों को बनाया ना, एक एक माइनस फैक्टर रखा है, दैट इज गिल्ट. तो गिल्ट नहीं होना चाहिए. अगर बच्चे का टिफिन बॉक्स हम भूल गए तो पूरा दिन हम गिल्ट में रहते हैं. बच्चा अपना जुगाड़ कर लेता है स्कूल में, दोस्तों से टिफिन शेयर कर लेता है, स्कूल कैंटीन से खा लेता है, राइट? सो इट्स ओके. स्टार्टिंग के 5-10 मिनट के लिए गिल्ट फील कर लो कि मैं ये नहीं कर पाई, लेकिन ठीक है, मैं जानबूझ के नहीं किया ये, राइट? और एक्सपेक्टेशन कि मैं इतनी अच्छी मम्मी हूँ, मैं इतनी अच्छी वाइफ हूँ, लेकिन कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा है. सो ये एक्सपेक्ट करना छोड़ दो. अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपकी फैमिली हैप्पी है, आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, सासू की सेवा कर रहे हो, सासू को पानी का ग्लास भर के दिया लेकिन सासू ने आपको थैंक यू नहीं बोला, ठीक है ना? मतलब आपने अपनी ओर से 100% दिया, थैंक यू की एक्सपेक्टेशन मत करो. जब एक्सपेक्टेशन नहीं होगी और जब कोई आपको सामने से थैंक यू आके बोलेगा, देन यू विल बी हैप्पी, हैप्पीएस्ट आई वुड से. आनंद आ गया सुन के, हर होलीनेस पूजा जोशी जी. अब मम्मी से हटके आप लीडर हो, टीचर्स को इंस्पायर करते हो, टीचर ट्रेनिंग लेते हो, टीचर्स को जाके गाइड करते हो. अब टीचर भी कभी कभी ओ गॉड दिल से काम नहीं कर रही होती या थोड़ा बोरिंग कर रही होती है, तो उनको आप कैसे प्यार से बताते हो? ओके, सो जैसे हमने एज अ मदर बात की, एज अ फैमिली मेंबर बात की, राइट? सो वैसे ही ये रोल भी मुझे लगता है इसमें भी पेशेंस चाहिए.
और इसमें भी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि वेर एवर यू आर गोइंग एवरीबडी विल बी वेलकमिंग। अब हर एक स्कूल अलग होता है, हर एक स्कूल के टीचर्स अलग होते हैं, कहीं यंग टीचर्स होते हैं, कहीं थोड़े सीजन टीचर्स होते हैं, कभी कोई टेक्नोलॉजी को बहुत वेलकम करता है, सीखना चाहता है, कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं कि नहीं हम हमारे टाइप से कर रहे हैं, दैट इज गुड। सो मैं ऑलवेज ट्राई करती हूँ कि मैं जाके ये ना बताऊँ कि आई एम दी बेस्ट, मैं आपको यहाँ पे सिखाने आई हूँ। आई ऑलवेज से कि लेट्स लर्न टुगेदर, टुडे यू आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न समथिंग एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू, तो दिस इज अ लर्निंग जर्नी एंड वी ऑल आर टुगेदर इन दिस जर्नी। ब्यूटिफुल, वेरी वेरी नाइस। फिर कुछ टीचर्स होती हैं जो बोलती हैं ये तो बच्ची है, ये क्या सिखाएगी हमें, तो उनको कैसे हैंडल करते हो आप? गुड क्वेश्चन। सो इसीलिए जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं ना प्रॉपर ऐसी ट्राई करती हूँ कि थोड़ी बड़ी लगूँ, थोड़ी मैच्योर लगूँ, बट सफेद हर करके एक जाते हो, डाई करके जाते हो, ग्रे, गोल्डन ग्रे, सिल्वर ग्रे? नहीं वैसे करके तो नहीं जाती हूँ, बट हाँ आई ऑलवेज वेयर सारीज व्हेन आई विजिट एनी स्कूल। एंड सेकेंड थिंग, व्हेन आई गो टू एनी स्कूल एंड वहां पे सीजन टीचर्स होते हैं राइट, जिनको मैं शायद बच्ची लगूंगी, तो मैं ऑलवेज पहले से ही ऐसा माहौल क्रिएट करती हूँ जहाँ पे आई एम ऑलवेज अ चाइल्ड टू देम एंड स्टिल आई आई हैव आई हैव गॉन देयर टू टेल देम समथिंग विच मे हेल्प देम टू लर्निंग टू इम्प्रूव और एनहांस देयर लर्निंग आउटकम, और मे बी जो भी वो इतने सालों से करते आए हैं, जहां पे भी थोड़ा सा भी गैप रह रहा है तो मे बी शायद मेरी मेरे सजेशन से या मेरे हेल्प से वो गैप जो है वो ब्रिज कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बातें करते हो आप, कितने अच्छे ट्रेनर हो, कितने अच्छे लीडर हो आप, कितने अच्छे ह्यूमन बीइंग हो। इसके पीछे किसका हाथ है वो बता दो आप। इसके पीछे हाथ है मे बी मेरी मम्मा का, मेरे पापा का, जिन्होंने मुझे ऑलवेज ये सिखाया है कि यू हैव टू बी ग्राउंडेड जहां पे भी आप जाओ, जो भी पोजीशन पे आप हो, जो भी डेजिग्नेशन पे आप हो, सो ऑलवेज बी ग्राउंडेड। कभी ऊपर मम्मी से आसमान दो के बातें क्या फूलों, सीखी आपने? मम्मी से बातें सीखी मैंने, एक तो पेशेंस और दूसरा अगर मैं कहूँ तो अच्छा खाना बनाना। मैं आ रहा हूं आपके घर। पापा से क्या सीखा? पापा मोस्ट वेलकम। से पापा से मैंने सीखा है कि ऑलवेज कुछ भी अगर गलत हो रहा हो तो मतलब हाँ में हाँ मत मिलाओ, एक बार पूछ लो और कुछ भी अपने आप से डिसाइड मत करो, पूछ लो, कंफर्म करो, दो बार कंफर्म करो, जब तक आप क्लियर नहीं हो जाते पूछो, और अपनी वो जो क्या बोलते हैं हम एक एक पिक्चर हम रच लेते हैं ना अपने दिमाग में, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं फिर, सो वो मत करो। थी। अभी ना बेटा आया था, बेटे से हमने बात की, हाय हेलो किया है ना, तो बेटे से भी कुछ सीखा होगा। क्या सीखा बेटे से? बिल्कुल, मेरा बेटा जो है वो बहुत ही प्रोएक्टिव है टेक्नोलॉजी में, तो शायद अभी की जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा रहती है टेक्नोलॉजी में। मे बी आई हैव अ गुड फोन बट फोन के सारे फीचर्स मुझे नहीं आते होंगे, कुछ कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो मुझे उसको पूछना पड़ता है, और काफी सारी बातें सोशल मीडिया के बारे में भी वो मुझे सिखाता है, सो वेरी नाइस। आई ऑलवेज ओपन टू लर्न फ्रॉम हिम ऑल्सो। तो अब इंडिया की ओपरा विनफ्री, पूरे वर्ल्ड को आप इंस्पायर करने वाले हो, एजुकेशन इंडस्ट्री की ओपरा है ना। बस हाँ, ट्राई तो क्योंकि यही अब तो रहेगी कि टेक्नोलॉजी जहां वाला भी जाए। बेटा तो कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो आपको अपनी बड़ी पसंद होंगी। माँ पूजा, यू आर टू गुड मैन। तीन हाँ बातें जैसा बता आपने रहे। बताया ना बातें करवा लो, आपने बोला ना बातें कर कितनी अच्छी बातें करती है, तो हाँ मैं बहुत अच्छी बातें करती हूँ। उसी के और पैसे यस मिलते हैं जिस भी दूसरा। यस एक बार कोई किसी से भी मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दूसरी बार मिलूंगी तो वो लोग मुझे मुझसे मिलना चाहेंगे, मतलब एक एक होता है ना एक लाइकिंग होता है, तो जिस किसी से भी मिलती करिश्मा, हूँ तो फिर इन्फ्लुएंस, हाँ पीकॉक पर्सनालिटी हाँ बोलते हैं फैंस। यस सो सीस्टर, मतलब लोग राह देखते हैं कि हाँ वापस मिलेंगे। हाँ तीसरा प्लीज मेरी स्माइल कम टू कोयम्बटूर, प्लीज कम टू कोयम्बटूर। स्माइल अच्छी लगती है मुझे, जब मैं स्माइल नहीं कर रही होती तब मुझे लगता है कि नहीं दिस इज द बेस्ट थिंग आई कैन डू, तो आई शुड ऑलवेज स्माइल। थैंक यू सो मच पूजा, आई लव्ड योर आंसर्स। नाउ यू प्लीज टेल थैंक यू। मी योर थ्री हैप्पीएस्ट मोमेंट्स।
थ्री हैप्पीएस्ट मोमेंट्स. ओके, सो व्हेन आई जॉइंड अ प्री स्कूल एज अ टीचर, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन. एंड यू नो व्हेन व्हेन स्मॉल बेबीज कम टू स्कूल फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड दे कम टू मी एंड दे हग मी एंड दे ग्रीट मी कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग पूजा मैम, दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ व्हेन आई वाज अ प्री स्कूल टीचर. Then when I, when I received a boon or maybe a blessing from God as a son, when I, held my son in my arms, that was the best moment. And yes, जैसे बोलते हैं ना कि आपके जितने भी blessings हो, जितने भी अच्छी मतलब happiest moment हो, वो कभी आपको गिननी नहीं चाहिए. तो तीसरी बात मतलब I am waiting for the most, most, most happiest moment in my life. So maybe वो आते रहेंगे. Related वो आते रहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, जब तक लाइफ है हैप्पी मोमेंट्स आते रहेंगे. यस यस. सो नाउ लेट्स प्ले वन वर्ड आंसर्स. लाइफ इन वन वर्ड. ओके, हैप्पीनेस. स्टूडेंट्स इन वन वर्ड. फनी. टीचर्स इन वन वर्ड. हार्ड वर्किंग. Parents in one word. God. Mother in one word. Love. Son in one word. Blessing. Father in one word. Inspiration. Love in one word. Family. Puja in one word. Sunshine and a tornado, mix of sunshine and tornado. ये tornado क्या होता है? You can say hurricane with sunshine. तो sunshine yes. तो समझ आ गया. आप sunshine जैसे smiling हो. ये tornado क्यों बोला आपने? मतलब मैं थोड़ा तूफानी हूँ इसलिए. है ना? ये तूफानी ही leader और attractive होता है. मार्केटर होता है, इन्फ्लुएंसर होता है, हाई सेल्फ एस्टीम वाला होता है. सो आई एम सो थैंकफुल टू यू पूजा. जस्ट लवली लर्निंग्स फ्रॉम यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.